मोबाइल आधुनिक युग का नायाब आविष्कार, एक ऐसा आविष्कार जो लाखों मील बैठे इंसान को सीधा जोड़ देता है। जहां दूरियां कम होती है तो वहीं अब हम एक दूसरे को आमने सामने देखकर बात कर सकते हैं, या फिर मोबाइल पर मौजूद सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। पर यही आविष्कार गलत इस्तेमाल करने पर हमारी जान का दुश्मन भी बन जाता है। धार के बदनावर में एक 10 साल के मासूम के लिए यही मोबाइल जान का दुश्मन बन गया। एक मोबाइल ने कैसे बन गया मासूम की जान के दुश्मन, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बदनावर के वडली पाड़ा का रहने वाला 12 वर्ष का मासूम लखन उस वक्त मौत का शिकार हो गया जब वे अपने ही घर में चाइना मेड मोबाइल की बैटरी एडिशनल चार्जर से चार्ज कर रहा था। ग्रामीण इस एडिशनल चार्जर को मेढक या केकड़ चार्जर भी कहते हैं। बस इसी केकड़ा चार्जर से उस मासूम की जान चली गई। केकड़ा चार्जर से बैटरी चार्ज करते समय मोबाइल की बैटरी में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। विस्फोट की आवाज से सब सन्न रह गए। परिवार वाले जब तक समझ पाते बैटरी के विस्फोट से लखन की जान चली गई थी। लखन को बदनावर के शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लखन की मौत के बाद गांव वाले सदमे में हैं। एकदम आवाज आई तो हमने सुना कि आवाज क्या किया है यार, जोर से आवाज आई फूटने की। तो फिर पास में एक आदमी खड़ा था, उन्होंने बोला कि कुछ फूटा उधर नीचे टापरे में। फिर हम दौड़ के आए, वहाँ आके देखा कि यार कुछ धमाका हुआ है। तो वहाँ अंदर जाके देखा तो बच्चा नीचे गिरा हुआ था और टुकड़े पड़े थे चार्जर वगैरह के, बैटरी शायद फूटी उसकी और ऐसा हुआ। तो मोबाइल की बैटरी चार्ज लगाई थी? हाँ ऐसा ही कुछ है, पटिया पे नीचे गिरा हुआ और मोबाइल नहीं था अंदर, वो बैटरी थी शायद लगा। यस, मोबाइल के टुकड़े उधर इधर बिखरे हुए पड़े थे, तीन चार टुकड़े। तो क्या केकड़ा चार्जर में चार्ज लगाई थी? हाँ केकड़ा चार्जर। इधर मोबाइल से जुड़े जानकार कहते हैं कि मोबाइल को बच्चों की पहुँच से दूर रखे, जहाँ तक हो अच्छी कंपनी का मोबाइल इस्तेमाल करें, मोबाइल की बैटरी को एक तय समय तक ही चार्ज करें ताकि इस तरह की घटना से बचा जा सके। धार से साबिर खान की रिपोर्ट। मोबाइल की बैटरी जो फटने की दुर्घटना हुई है वो बहुत दुखद है। सभी व्यक्तियों को ये चाहिए कि बच्चों को मोबाइल की पहुंच से दूर रखें और बैटरी को उतना ही चार्ज करें जितना उसका तय समय है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी उसको 2 से 3 घंटे से ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, जिससे बैटरियाँ नहीं फूटेंगी और इस तरह की घटनाएँ नहीं होंगी। पहली बात तो यह है कि मैं जो भी मोबाइल वगैरह आप ख़रीदते हैं उनकी उसके साथ के जो चार्जर आते हैं उनसे ही बैटरी चार्ज करें और प्रॉपर अच्छी कंपनियों के ही मोबाइल यूज़ के करना चाहिए। अच्छी कंपनी के मोबाइल और अच्छी कंपनी के चार्जर ही यूज़ करना चाहिए। बैटरी को क्या एक्सटर्नल चार्ज करना चाहिए? बैटरी को मैक्सिमम 2 से 3-4 घंटे मैक्सिमम चार्ज करना चाहिए, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। रात भर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए चार्ज। जो एक्सटर्नल चार्जर का बाहरी चार्जर, एक्सटर्नल चार्जर जो आता है जिसको केकड़ा चार्जर मेंढक चार्जर बोलते हैं, उनसे तो कभी चार्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका प्रॉपर चार्जिंग पॉइंट या एलिमीटर वगैरह कुछ रहता नहीं है उसमें ठीक से, तो वो बैटरी को किस तरीके से चार्ज कर रहा है ये कुछ कह नहीं सकते। कितना मैक्सिमम कर रहा है, कितना पावर सप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए बाहर तो बैटरी को बिल्कुल चार्ज करना नहीं चाहिए। ये यहाँ से करीब 17 किलोमीटर दूर बडली पाड़ा गाँव है, वहाँ पे एक बच्चा है लखन पिता नंदू सिंगार भील प्रजाति का है, 12 साल उम्र है। ये अपने चाइना का मोबाइल की बैटरी निकाल के वो केकड़े वाले चार्जर से चार्ज करने के लिए जैसे इसने स्विच बोर्ड में लगाया वैसे इसमें बैटरी में विस्फोट हो गया, जिससे इसके हाथ और चेहरा और छाती और सब काफ़ी इसमें गंभीर चोटें आईं, तो वहीं बेहोश होकर गिर गया। इसका चाचा था मुकेश, वो पास में था, उसने देखा विस्फोट की आवाज़ तो दौड़ के आया और फिर इसको अस्पताल लेके आया जाए, इसको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया और जाँच की जा रही है, कार्रवाई।